नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध की महादशा के विषय में। बुध की महादशा मीन लग्ने की कुंडली के जातकों को चलेगी तो कैसे फल या क्या परिणाम देगी, इस बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा सटीक उपाय, ऐसे सटीक उपाय जिन्हें करने से यदि कहीं बुध की महादशा किसी तरह से खराब फल देने वाली है तो उन खराब फलों में भी जरूर से कमी या कटौती कर लेगी। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि बुध देव मीन लग्ने की कुंडली में क्या रोल प्ले करते हैं। तो फिलहाल अभी आप ये जो कुंडली देख रहे हैं ये मीन लग्ने की कुंडली है। क्यों? क्योंकि इस कुंडली के लग्न पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हो जाते हैं गुरु। ये सामान्यतः माना जाता है कि बुध जो है वो मीन लग्न की कुंडली में बाधकेश होते हैं, या फिर बाधकेश नाम से ही वैसे तो स्पष्ट है, बाधा पैदा करने वाले ग्रह। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कह सकता हूं कि बुध कहीं अच्छे प्लेस्ड हो, अच्छी जगह बैठे हो तो बिल्कुल भी बाधकेश नहीं होंगे। एक्चुअली बाधकेश पर मैंने एक वीडियो बनाया था, बाधकेश पर 3 या 4 वीडियोज मेरे आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। उसमें मैंने आपको बताया था कि बाधकेश थ्योरी एक्चुअल में कुछ होती ही नहीं है। और फिर मैंने अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर भी वीडियो बनाया, तो टोटल 4 वीडियोज मैंने बाधकेश पर ही बनाए हैं एग्जैक्टली क्या होता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब सर्च पर जाइएगा, उस पर लिखिएगा बाधकेश VS एस्ट्रोलॉजी, इस चैनल का नाम लिख दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को MP पर देख फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी आप यूट्यूब पर आप चले जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो एक्चुअली बाधकेश कुछ होता नहीं है। तो यहां पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बुध भैया मारक ग्रह नहीं होते मीन लग्न की कुंडली के लिए। ये सम ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ जगह अच्छे फल देते हैं, कुछ जगह ये खराब फल देते हैं। अभी ये समझने का प्रयास करते हैं कि अच्छे फल कहाँ देते हैं, खराब फल कहाँ देते हैं, और क्या स्थिति होती है, क्या अच्छे फल देंगे क्या खराब फल देंगे। तो देखिए, अभी आपको ये जो कुंडली दिख रही है ये मीन लग्न की कुंडली है, जैसा मैंने आपको बताया। अभी यहां पर आपको जहां पर 6 नंबर दिख रहा है वो कुंडली का 7वां स्थान है, 7th हाउस, और जहां पर 3 नंबर दिख रहा है वो है कुंडली का 4था स्थान, 4th हाउस। तो 4था स्थान और 7वें स्थान के स्वामी यदि खुद इन्हीं भाव में आकर के बैठ जाए, कौन है इन भाव के स्वामी? 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। तो यदि ये मान लो बुध 3 नंबर के साथ आकर के बैठ गए तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। मान लो बुध 6 नंबर के साथ आकर के बैठ गए तो भी भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। अब पंच महापुरुष योग क्या होता है ये भी यदि आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च पर लिखिए पंच महापुरुष योग VS एस्ट्रोलॉजी, उस पर भी आपको मिल जाएगा। ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पर, खासतौर पर यूट्यूब चैनल पर, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो ये तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे फल देना देंगे। लेकिन इसके अलावा भी यदि बुध कुंडली के 3रे 6वे 8वे 12वे इन भावों में नहीं है, और जहां आपको 1 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर कहां दिख रहा है? कुंडली के 2रे स्थान पर, 2nd हाउस में, वहां पर भी नहीं है, तो बुध जो है वो अपने बहुत अच्छे फल देंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 3रे 6वे 8वे 12वे भाव में और 2रे भाव में बुध खराब फल देंगे। अब 3रा 6वा 8वा 12वा भाव और 2रा भाव कहाँ है? जहां पर येलो रंग आपको दिख रहा है, जहां भी येलो रंग है वहां यदि बुध बैठेंगे तो बहुत अच्छे फल देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जहां येलो रंग नहीं है वहां यदि बुध बैठेंगे तो अच्छे फल देखने को मिलेंगे, और खास तौर पर जहां 3 नंबर और जहां 6 नंबर है वहां पर तो बुध पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देखने को आपको मिल जाएंगे। पंच महापुरुष योग पर भी मेरे लगभग आई थिंक 6 वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई अच्छे फल भी देखने को मिल जाएंगे, खराब फल भी देखने को मिल जाएंगे चूंकि सम ग्रह है। तो लेकिन क्या अच्छे फल क्या खराब फल? तो बुध जो है बुध बौद्धिक क्षमताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वाक पटुता को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युनिकेशन बोल कर हो, लिख कर हो, इशारों के द्वारा हो, जैसा भी कम्युनिकेशन हो, इशारों के द्वारा मेरा मतलब ये कि जो एक्टिंग होती है, जहां पर बोला नहीं जाता, जहां पर आवाज नहीं होती, वो भी एक कम्युनिकेशन है ना। तो चार्ली चैपलिन, तो ये जो है इस तरह का कम्युनिकेशन भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन वो जो है बुध रिप्रेजेंट करते हैं। और
यदि बुध पंच महापुरुष योग में आकर के बैठ जाते तो जातक का कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होता है बुध की महादशा में। देखिए हम बात कर रहे हैं महादशा की, हाँ जरूरी नहीं कि बुध कहीं पर भी बैठे हों तो हमेशा ऐसे ही फल देंगे, महादशा जब चलेगी तब ऐसे फल देंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जातक का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जातक बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाता है, साथ ही साथ बुध मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करते। तो बुध जो है वो पंच महापुरुष योग में बैठे या फिर जहाँ येलो रंग नहीं है वहां बैठे, या फिर कहीं जहाँ सफेद रंग है वहां बैठे, तो बुध मैनेजमेंट को बहुत तगड़ा करने का काम करते हैं। और जातक जो है चाहे पढ़ाई का मैनेजमेंट हो बहुत अच्छी तरह से करता है, फिर अंक भी उसके रिजल्ट में अच्छे आते हैं। जातक जो है वो नौकरी में अच्छा मैनेजमेंट करता है उसकी वाहवाही होती है, बिजनेस में अच्छा मैनेजमेंट करता है उसकी वाहवाही होती है, वो आगे बढ़ता है, उसको धन मिलता है, पैसा मिलता है, सेविंग्स बहुत अच्छी कर लेता है, रिश्तों का मैनेजमेंट करना बहुत, देखिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मतलब आप स्वास्थ्य की बात करें, आप रिश्तों की बात करें, आप धन की बात करें, आप पढ़ने की बात करें, आप विचारों की बात करें, तो मैनेजमेंट कौन सा विचार कितने मात्रा में डालना चाहिए बहुत जरूरी है। देखिए भय भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए, लेकिन प्रभु का, भगवान का, साहस भी होना चाहिए, साहस करना चाहिए, लेकिन किसके सामने करना चाहिए, दुस्साहस, दुस्साहस और साहस इसमें भी अंतर है। तो ये मैनेजमेंट में ज्यादा हो गया तो वो दुस्साहस हो जाएगा, हमारी माता जी के सामने जो जिन्होंने हमें जन्म दिया उसके सामने दुस्साहस करना चाहिए क्या, इवन साहस भी करना चाहिए क्या फिजूल का। तो ये यही मैनेजमेंट है, हमें साहस क्या करना चाहिए, कहीं किसी के साथ खराब अन्याय हो रहा है क्या वहां पर हमको साहस नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमें गुस्सा करना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई किसी कोई गरीब है उसके साथ अन्याय हो रहा है, किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो फिर कैसे व्यक्ति हैं। और यदि फिजूल में ही गुस्सा आते रहा, शॉर्ट टेम्पर्ड आप रहे, तो भी कैसे व्यक्ति हैं, है ना। तो कौन सी चीज का कब, काम क्रोध मोह लोभ, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। आपको लोभ लालच नहीं होगा तो क्या हम अपने परिवार के लिए कुछ इकट्ठा कर पाएंगे, क्या परमात्मा को पाएंगे, परमात्मा को पाने का भी तो लालच है, तो क्या पा पाएंगे, लेकिन अति लालची हो जाएंगे। तो ये जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस मैनेजमेंट को बुध रिप्रेजेंट करते हैं, और बुध निसंदेह बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे मैनेजर बनाते हैं इंसान को, और इंसान बहुत अच्छे अपनी प्रगति करता है जीवन में। लेकिन यदि बुध वहां पर बैठे जहां पर कुंडली का तीसरा, छठवां, आठवां और बारहवां भाव है, एक नंबर जहां है उसको भी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, उसके अलावा जहां दूसरे येलो रंग है, जहां दो नंबर लिखा हुआ है वहां पर आपको येलो रंग दिख रहा होगा, जहां पर आपको पांच नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, जहां पर आपको सात नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, जहां पर आपको ग्यारह नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वहां पर भी येलो रंग है। तो यहां पर यदि बुध बैठेंगे तो मैनेजमेंट को बिल्कुल गड़बड़ करने का काम करेंगे। इंसान यदि नौकरी करता है, नौकरी में उसका मैनेजमेंट नहीं होगा, बार बार सुनना पड़ेगी। बिजनेस करता है, बिजनेस में लॉस जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा, पैसा खर्च होगा, लॉस जाएगा। पढ़ाई का मैनेजमेंट सही से ना होने की वजह से अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे, तो इस तरह की स्थितियों का निर्माण जो है वो हो जाता है। अच्छा, जहाँ एक नंबर लिखा हुआ है वहां पर बुध बैठेंगे तो क्या होगा, तो धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, खासतौर पर विवाह के बाद जो है ना वो धन में उन्नति होती है, पैसों में उन्नति होती है, ये बात जरूर है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुंडली मिलान करके शादी होती है। और यदि बुध एक नंबर के साथ बैठे हुए हैं तो धन में उन्नति होना यहाँ पर निश्चित है। हाँ, भकुट दोष नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए वैवाहिक जीवन में, मिलान में, कुंडली मिलान में, हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो धर्म में उन्नति होती है, लेकिन क्या होता है कि जो एक नंबर है वो मंगल देव की राशि है, मंगल देव की राशि होने की वजह से वाणी जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती, या वाणी अच्छी भी है तो वाणी को गलत ले लिया जाए। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे आपके बारे में कुछ अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन आपने समझ लेना कि यार ऐसा क्यों इस व्यक्ति ने कहा, और आप मेरी बात को पूरा मान लो। अब मैं खुद से कहूँ यार मैंने क्या खराब कहा था, यार मैंने क्या गलत कहा था, मैंने तो बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन आपको तो बुरी लगी ना, तो क्या आप गलत है, क्या मैं गलत हूँ, नहीं, परिस्थितियाँ गलत है, वाणी को ले लिया जाना ये गलत है, और ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिश्ते जो है ना वो टूटते हैं। इस वजह से मैंने कहा था यहाँ पर कि मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। शादी के बाद धन देंगे लेकिन रिश्तों को तोड़ने का काम करेंगे। कई बार हेल्थ इश्यूज भी मैंने देखे हैं, खासतौर पर आंखों में या गले में हेल्थ इश्यूज, या जिसे हम कहते हैं स्किन डिसीज, वो भी मैंने कई बार देखी है बुध की महादशा में। इस वजह से यहाँ पर बैठे बुध को मैं खराब
थोड़ा सा खराबी मानता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पर 8 नंबर है, जहाँ पर वृश्चिक राशि है वो भी मंगल की ही राशि है, लेकिन वहां पर मैंने बुध के अच्छे फल देखे हैं, और खास तौर पर जब शादी होती है उसके बाद भाग्योदय होता है, जहाँ 8 नंबर लिखा है ना, यदि वहां बुध बैठेंगे तो शादी के बाद भाग्योदय के योग बढ़ाते हैं। तो इस तरह के मिले जुले फल मिलते हैं, और मिले जुले फल मिलते हैं इसीलिए तो हमने यहाँ पर कहा कि समग्रह है भाई, अच्छे ही फल मिलते तो अच्छे ना कह देते, खराब ही फल मिलते तो खराब ना कह देते, सम का कहने का मतलब ही ये है कि मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। तो ये फल मैंने आपको बताया, अब हम उपायों की बात करते हैं, क्या उपाय किए जाने चाहिए। YouTube चैनल पर जाइए, VS Astrology YouTube चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट के ऑप्शंस होते हैं हर चैनल पर, वहाँ पर VS Astrology YouTube चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाइए आप, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें आप जाइए, वहां जाकर के आपको एक वीडियो मिलेगा बुध ग्रह का, उस बुध ग्रह के वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए मैंने उसमें क्या बताया, उन सारे उपायों कीजिए। यदि बुध आपको खराब फल दे रहे हैं तो बुध देव की कृपा से आपको उन खराब फलों में जरूर से कमी या कटौती देखने को मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आज के इस वीडियो में हमने बुध महादशा के बारे में बात की, कब अच्छे फल देंगे, कब खराब फल देंगे, कहाँ अच्छे फल देंगे, कहाँ खराब फल देंगे, क्या अच्छे फल देंगे, क्या खराब फल देंगे, क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल मिले, ये सब हमने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा, नमस्कार।